सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टी विटामिन टैबलेट या मेडिसिन के बारे में, और यह है आपकी हेल्थ वेट सेंड विटान मेन मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स टैबलेट, और इसमें जो है आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। अब हम इसके फायदे के बारे में बात करेंगे, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आपको लेना है और क्या प्राइस है, सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर आप ये हेल्थ विट का सेंट विटान मल्टी विटामिन टेबलेट लेते हो तो ये जो है इसका प्राइस है 500 रुपये का, लेकिन ये आपको डिस्काउंट के साथ 323 रुपये में मिलेगी और एक डब्बी आएगी जिसके अंदर 60 टेबलेट मिलेंगी। तो देखिए, 323 रुपये में डिस्काउंट के साथ ये मिलेगी आपको अमेजोन पर, तो इसको जो है आपको ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा। और इसके लिए जो है मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उधर से क्लिक करके आप इसको घर बैठे बैठे भी मंगा सकते हो। तो देखिए, 323 रुपये में मेरे ख्याल से महंगी नहीं है, क्योंकि ये 2 महीने का डोज है। हालांकि इसका जो एमआरपी है वो 500 रुपये है। अब भाई, ये जो मेडिसिन है ये वेजिटेरियन है, मतलब जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जो है ये मल्टी विटामिन टेबलेट हो सकती है। और इसके अलावा इसमें कोई केमिकल, कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट है। तो मतलब देखिए, आजकल के जो लाइफ स्टाइल आपने देखा होगा कि हम जो है सही समय पे खाना नहीं खाते हैं, और जो हमको न्यूट्रिशन वाली डाइट चाहिए वो नहीं लेते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और बाहर का खाना खाते हैं, और सही समय पे नाश्ता नहीं करते हैं, सही समय पर खाना नहीं खाते, यहाँ तक कि हम सही समय पर सोते भी नहीं हैं, लेट नाइट सोते हैं और जो है सुबह भी जो है लेट उठते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारी जो फिजिकल है ना, फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और जैसे कि हम न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमको विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेकार होता है और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में भाई हमको कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो अपनी फिटनेस जो है बरकरार रखने के लिए। तो देखिए, अगर आप ये मेडिसिन लेते हो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कमजोरी महसूस होती है और आपको ऐसे लगता है कि एनर्जी की कमी है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो, और आप एक्टिव नहीं रहते हो तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी लेजी फील होता होगा, तो उस कंडीशन में ले सकते हो एक्टिव रहने के लिए, और आपकी हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा आपके मसल्स ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और आपके हार्ट के लिए अच्छी होती है, आपकी स्किन के लिए भी सही है ये, और आपके बालों के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये। तो देखिए, इसमें आपको बायोटीन मिलता है और बायोटीन के साथ साथ जिंक भी है। तो देखिए, बायोटीन और जिंक हमारे हेल्दी हेयर के लिए काफ़ी अच्छे सप्लीमेंट होते हैं। इसके अलावा आपके जो मेटाबॉलिम्स को जो है बूस्ट करती है, और आपके जो नसों के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, और ओवरऑल हेल्थ के लिए बोलूँ तो काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये। और इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। तो देखिए, अगर आप जिम जा रहे हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे भाई जिम वाली लोग ले सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन मैं इधर बोलना चाहूँगा, आप मोटे नहीं होंगे। अगर आप कोई भी मल्टी विटामिन, कोई भी मल्टी मिनरल्स टेबलेट लेते हो तो उससे मोटे नहीं होते हैं। ये जरूर है कि आप जैसे जिम जाते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, तो आप ले सकते हैं अपनी फिटनेस के लिए। और इसके अलावा मैं इधर बोलना चाहूँगा, जिनकी एज 35 या 35 से ज़्यादा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ने लगती है, क्योंकि समय के साथ जो है हमारी एनर्जी उतनी नहीं रहती है। तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अब इधर हम डोज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक टेबलेट हमको एक दिन में एक ही बार लेना होता है, और कुछ भी खाने के बाद लीजिए, वो सिंपल पानी के साथ, या आप दूध के साथ भी इसको ले सकते हो। अब मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है, लेकिन बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी मेडिसिन नहीं लेनी है। तो देखिए, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने फीमेल का नाम क्यों लिया, क्योंकि इसका नाम ही है सेंट विटान मेन मल्टी विटामिन, मतलब ये आदमी लोगों के लिए। तो देखिए, ऐसा नहीं कि आदमी लोगों के लिए है, कोई ये हार्मोनल टेबलेट नहीं है, ये मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स टेबलेट है, तो सब विटामिन और मिनरल्स एक ही होते हैं। एक सेंट विटान जो है वुमेन मल्टी विटामिन भी आती है, तो फर्क इतना होता है कि जैसे कि वुमेन को आयरन की ज़्यादा जरूरत रहती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो जो आयरन, कैल्शियम और भी जो इंग्रेडिएंट्स है या और भी जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा एमजी में हो जाते हैं। बाकी भाई, विटामिन तो विटामिन ही होता है ना, मिनरल्स तो मिनरल ही होता है, तो और कुछ जो है फ़र्क नहीं होता। आप चाहें तो फीमेल को भी दे सकते हैं और मेल तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो साइड इफेक्ट देखिए, जैसे कि आपका पेट वगैरह खराब हो जाता है, या नोजिया टाइप का कुछ आपको लगता है, उल्टी जैसा लगता है, या फेस में कुछ पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको लेना बंद कर सकते हो। अब इधर कोई दूसरी मेडिसिन आप पहले से ले रहे हो, तो
तो उसके साथ इसको ले सकते हैं नहीं। तो देखिए दूसरी मेडिसिन मतलब ये है कि कोई मल्टी विटामिन ले रहे हो या कोई एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हो तो उसके साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जो है टेबलेट है। तो ज़बरदस्ती में ओवरडोज किसी भी चीज़ का ना करें, कोई भी एक टेबलेट लें। बाकी इसके अलावा कोई आप जैसे कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, मान लीजिए फीवर आ गया था तो फीवर के साथ ले सकते हैं, फीवर की मेडिसिन के साथ ले सकते हैं, या कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब इधर जो है आपको कब तक लेना है तो डिपेंड करता है आप क्यों लेना चाहते हो। हालांकि आप अगर फिटनेस के लिए लेना चाहते हो तो इसको 2 महीने लेके देखिए, आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे जिम जा रहे हो तो भाई जिम तो डेली जाते हैं, तो देखिए जिम जा रहे हो तो आप लंबे समय तक ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा बीच बीच में ड्रॉप करिए, लंबे समय तक मेडिसिन मत लीजिए, बीच बीच में कुछ दिन का गैप छोड़िए तो अच्छा रहेगा। बाकी आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए ले रहे हो तब भी मैं यही बोलूँगा कि लंबे समय तक मत लीजिए, बीच बीच में इसको ड्रॉप करिए फिर लेने लगिए, ऐसा कर सकते हो। अब देखिए कुछ पर्टिकुलर आपको कोई विटामिन की कमी है तो इस मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन है और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है या ज़्यादा एमजी में नहीं है। तो आपको जैसे मान लीजिए विटामिन सी की जो है बहुत रिक्वायरमेंट है, या कैल्शियम की, या विटामिन D3 की, तो उसके लिए आपको स्पेशली कोई दूसरी मेडिसिन लेना पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है एमजी बहुत सारे विटामिन मिनरल जरूर है लेकिन एमजी कम है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि अच्छी बात भी है, हम इसको रेगुलर ले सकते हैं, लंबे समय तक ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर कोई विटामिन की कमी है तो उसके लिए जो है आपको डॉक्टर से भी सलाह लेनी पड़ेगी। अब मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा इधर पर, देखिए अगर आप ये मेडिसिन लेते हो तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है, और कोशिश करिए कि भाई जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राई खाना, मीठा खाना, ये जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं सब ना खाएं, ये हमारे हेल्थ के लिए बेकार ही होती हैं। इसके अलावा फाइबर वाला खाना खाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, और पानी ज़्यादा पीजिए। कई लोग मैंने देखा पानी कम पीते हैं तो पानी कम पीने से भी समस्या होती है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा और अपना समय का ख्याल रखिए, समय पर नाश्ता करिए, समय पर सोइए, समय पर खाना खाइए, तो आपकी जो है हेल्थ अच्छी बनेगी और आप फिट रहोगे, अंदर से आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और अभी भी इस मेडिसिन को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड, जो कि मैं डेली लाते रहता हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।